वेल ब्लैंक मूवी एक्चुअली बहुत अच्छी मूवी है. आपको लास्ट में ब्लैंक छोड़ दी थी बिकॉज आपके पास इस मूवी के लिए वर्ड्स नहीं है, इतनी अच्छी मूवी है. सनी देओल वो 2.5 किलो वाला हाथ जो है वो वाला फिर से एक्शन अवतार इसमें दिखा है. एंड आई फील कि सनी देओल का कमबैक फिर से बॉलीवुड में, इट्स रियली अमेजिंग. करण कपाड़िया के बारे में फिलहाल कुछ बोल नहीं सकते, बट इनकी जैसे कि इनकी डेब्यू फिल्म है, स्टिल ही परफॉर्म वेरी वेल. फिल्म का बेस्ट पार्ट इसका क्लाइमैक्स है, जो कि मैं बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं दूंगी, बिल्कुल भी रिवील करने वाली नहीं हूँ. म्यूजिक इसमें बस सॉन्ग एक ही था, बट स्टिल जो भी था, जो बैकग्राउंड म्यूजिक थी, जो बैकग्राउंड स्कोर था, वो सभी काफ़ी अच्छे थे. जो ये एक देखो एक मूवी होती है जो मैसेज देती, बट वो डिपेंड करता है ऑडियंस पे कि वो मैसेज वो ग्रैप करती है कि नहीं. तो वैसे ही अगर जब दर्शक इस मूवी को देखेंगे, जो भी ये मूवी मैसेज देना चाहती है, वो ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो इस मैसेज को लेना चाहती है या फिर नहीं. ब्लैंक बहुत अच्छी फिल्म है. देखो मैं अभी तक ब्लैंक हूँ, वो फिल्म देख के बहुत अच्छी फिल्म लगी मुझे. इतने टाइम के बाद उन्होंने इस तरीके की फिल्म में अपनी एक्टिंग दिखाई है, दमदार एक्टिंग जो हम सनी पाजी का बोल सकते हैं, उन्होंने इस फिल्म में दिखाई है, तो बहुत अच्छी है मूवी. कहीं नहीं लग रहा है कि उनकी डेब्यू फिल्म है, इतने अच्छे से उन्होंने अपने रोल को जस्टिफाई किया है. कहीं भी नहीं लग रहा है कि ये यू नो डेब्यू किया है इस फिल्म में. डायरेक्शन के बारे में बहुत सही डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले सब बहुत अच्छा है. गाने एक अली अली है, वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं, ठीक ठाक लग रहा. मैसेज मैं क्या दूँगी, मैसेज तो यही है आगे सब सारी ये फिल्म देखो, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है. 3.5. जी बात अगर न्यू कमर की करें या फ्रेशर की करें, उसके हिसाब से उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी. मुझे उनकी एक्टिंग जी मैं ये बोलूँगी, बात सनी देओल की हो तो एक्शन तो आ ही जाता है, तो उनका जो बट ये कैरेक्टर जो था काफ़ी ठहराव था उस कैरेक्टर में, तो उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी. ऑब्वियसली याद आ गई क्योंकि ये मूवी देश के ऊपर थी या फिर बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर मूवी थी, तो मुझे लगता है ऑब्वियसली जो भी रिलेटेड मूवी है नेशनलिज्म से उनकी तो याद आ ही जाएगी अगर आप ये मूवी देखेंगे. सॉन्ग अच्छे थे, सब अच्छा था, मूवी A1 थी. मैं 4 देना चाहूँगा. परफॉर्मेंस अच्छा लगा, डायरेक्टर का भी काम अच्छा लगा, बेजाद खंबाटा, उन्होंने अच्छा काम किया. एक अच्छी स्टोरी लाइन है विद अ गुड मैसेज इन द एंड. अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो आजकल सुसाइड बॉम्बिंग्स हो रही है, अभी श्रीलंका में हादसा हुआ और इट इज़ प्रेवलेंट एवरीवेयर. तो वो किस वजह से हुई है, और वो बोलते हैं कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, तो ये सब पैसे का चक्कर है, पैसे की वजह से ये सब बॉम्ब ब्लास्ट और सुसाइड बॉम्बिंग्स हो रहे हैं. तो वो दिखाया है और किस तरह से इसे कर्ब किया जाए, और एंड में अच्छा सा ट्विस्ट है जो मैं रिवील नहीं कर सकता, बट इट्स अ वेरी गुड फिल्म, इट्स अ मस्ट वॉच. एक्शन सीक्वेंसेज मुझे बहुत अच्छे लगे, करण कपाड़िया और सनी देओल का जो चेस सीक्वेंस है, कन्फ्रंटेशन सीन्स है, टेररिस्ट के साथ जो फाइट होती है, तो एक्शन सीक्वेंसेस मुझे बहुत अच्छे लगे और कुछ डायलॉग्स अच्छे लगे सनी देओल के. जी मैं 4 स्टार्स देना चाहूँगा, अच्छी फिल्म है, देखने लायक है. काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इसमें सनी देओल काफ़ी लंबे समय के बाद इसमें एक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मुझे अच्छी लगी मूवी. वो उनका फर्स्ट डेब्यू मूवी है, तो वो भी इसमें काफ़ी अच्छे एक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं. उसमें इस फिल्म में वो एक आतंकवादी की भूमिका में है, तो उनकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगी. ओवरऑल मेरे को अच्छे लगे क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि वो काफ़ी लंबे समय के बाद एक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो एक्शन हीरो के रूप में ही एक अच्छे लगते हैं, तो अच्छे लगे. मुझे अच्छे लगे म्यूज़िक, जिसमें एक अली अली करके है गाना, वो काफ़ी अच्छे लगे. 4. सारी खास बातें हैं, बहुत टाइम बाद सनी देओल जी बैक आ रखे हैं, और करण कपाड़िया बहुत शानदार एक्टिंग है. मूवी का जो सिनेरियो है बहुत शानदार लग रहा है, कि कहीं बार भी ऐसा लगता है कि मूवी टूट रही है या ऐसा लगता है कि बोर हो रहा है इंटरवल से पहले या बाद में कभी देख लो, बहुत अच्छी स्क्रीन प्ले और स्टोरी बनी. यही तो बोल रहा हूँ कि मूवी बिल्कुल बांध के रखती है, कहीं पर ऐसा नहीं लगता कि कोई बोर हो रहा है, कोई ऑडियंस बीच में से छोड़ के नहीं जा रही है, सब इंजॉय कर रहे हैं लास्ट तक, फुल पैक्ड एक्शन. बहुत अच्छे थे, बहुत टाइम के बाद सनी देओल वापस आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये इस बार 2.5 किलो का हाथ बॉक्स ऑफिस पर पड़ने वाला है. याद ही क्या दिलाती है कि जैसे कि मैं बताऊंगा नहीं लास्ट में क्या है, बट हाँ कहीं ना कहीं ऐसा है कि ऐसा लगता है कि सांसें लेने में भी लोगों को आजकल तकलीफें हैं, तो इससे समझने की ज़रूरत है कि मूवी में कितना ज़्यादा हुआ, कि लास्ट तक आपको भी ऐसा लगता है कि यार मज़ा आ गया मूवी में, कुछ ना कुछ तो अलग इस बार स्टोरी में कुछ अलग डाला हुआ है. सोच बदलेगी और होश भी बदलेगी. गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ अक्षय कुमार का जो गाना इसमें दिखा रखा था पहले, वो कहीं ना कहीं निराश करता है कि लास्ट में चला जाता है, वरना बहुत अच्छा स्टोरी के साथ सारे गाने मैच होते हैं. 5/4.